हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एक्सप्लेनर। तो आज मैं सन 2016 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी हश को एक्सप्लेन करूंगा। मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी सिंपल है, येट इट्स थ्रिलिंग। स्टार्टिंग में हम मैडी को देखते हैं जो एक कॉटेज में खाना पका रही होती है। वो शहर से दूर यहाँ अपनी बुक लिखने आई होती है। हमें समझ आता है कि उसे सुनाई नहीं देता, वो हर चीज़ को महसूस करके कुकिंग कर रही होती है। मैडी के पास सारा का मैसेज आता है कि वो उससे मिलने आ रही है। सारा मैडी के पड़ोस में रहती। सारा मैडी की बुक का जवाब देने आती है कि उसने बुक कितनी अच्छी लिखी है, लैंग्वेज में बताती है। और हमें देखने को मिलता है कि मैडी बोल भी नहीं सकती। दरअसल मैडी को बचपन में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिससे वो बोल सुन नहीं सकती। वो उसके साथ डिनर पे चलने को कहती है, मगर मैडी को अपनी बुक लिखनी होती है इसलिए वो सारा को नहीं चल पाने का इशारा करती है। अगले सीन में मैडी किचन में डिशेस और प्लेट्स धोने लगती को देखते हैं, जो चीख चीख कर मैडी से दरवाज़ा खोलने को कहती है, मगर मैडी जो सुन नहीं सकती, उसे पता ही नहीं चलता कि सारा बाहर है। वो जाकर लगती है, किलर सारा को लगातार चक्कू मारता है और सारा की वहीं मौत हो जाती है। मरने के बाद किलर मैडी को बाहर से ही देखता है। वो देखता है कि वो अकेली है और दरवाज़ा नॉक करता है, जो बुक की एंडिंग लिखने वापस आ जाती है। पीछे हमें किलर दिखता है जो मेन डोर से आ जाता है और मैडी को देखता है और वो अपने चक्कू से उसे मारने ही लगता है कि मैडी के पास उसकी फ्रेंड मैक्स की वीडियो कॉल आती है। वापस शहर आने को कहती है और उसकी बुक की एंडिंग के बारे में पूछ ही रही होती है कि मैडी के पीछे मैक्स को कुछ हिलता नजर आता है। उसे पूछती है कि उसके पीछे कौन है। वो पीछे मुड़ती है और उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। मैडी को लगता है कि पीछे उसकी पालतू बिल्ली हो। मैडी को गुड बाय करती है और कॉल कट हो जाती है। पास अपनी फोटोज आती हैं। ये फोटोज किसी ने पीछे से ली होती हैं और ये फोटोज खुद मैडी के फोन से भेजी होती हैं। अपनी फोटोज देख के मैडी शॉक हो जाती है और धीरे से उठती है। उसे लगता है कि उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। मैडी डोर को लॉक करने के लिए उठती है और दरवाजे के बाहर किलर उसे उसका फोन दिखाता है। इसको लैपटॉप से कॉल करने की कोशिश करती है। उससे पहले किलर पावर सप्लाई कट कर देता है और पुलिस को भी कॉल नहीं की जा सकती। किलर कार के सभी टायर पंचर कर देता है और जंगल के अंदर चला जाता है। मैडी लिपस्टिक से विंडोज पर लिखती है कि उसने कुछ नहीं देखा और वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। वो आगे ये भी लिखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जॉन थोड़ी देर में आने वाला है। यह पढ़कर किलर अपना मास्क उतार देता है। मैडी एक नाइफ उठाती है और रूम में जाकर अपने को लॉक कर लेती है। वो खिड़की से किलर को देखती है, मगर खिड़की पर सारा नॉक कर रही होती है जबकि किलर सारा के पीछे होता है। वो सारा की बॉडी पकड़कर ये सब कर रहा होता है। मैडी सारा की बॉडी देखकर वहाँ से भाग जाती है। तभी मैडी किलर को कंफ्यूज करने के लिए अपनी कार की से कार अनलॉक करती है। कार की आवाज़ आते ही किलर सारा की बॉडी छोड़कर कार की तरफ आता है। मौके का फ़ायदा उठा के मैडी सारा का फ़ोन लेने जाती है, लेकिन किलर ने उसका फ़ोन पहले ही निकाल लिया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैडी अब किलर को नोटिस करती है और मौका देखकर विंडो से बाहर आती है और अपनी टॉर्च जंगल में फेंक देती है। कुछ नहीं आता देख किलर जंगल में अंदर चला जाता है। किलर को जंगल में जाता देख मैडी छत से उतरने की कोशिश करती है। किलर उसे एरो से शूट कर देता है। तीर उसके पैर में घुस जाती है। मैडी का काफ़ी खून निकल रहा था तो फर्स्ट एड करने वो नीचे वॉशरूम में आती है, इन्फेक्टेंट लगाती है। बो एंड एरो जो मैडी ने किलर से छीन लिया होता है वो उसे लोड करने की कोशिश करती है। वहीं किलर ये सब देख रहा होता है। सारा अक्सर मैडी से मिलने आया करती थी। वहीं अगले सीन में हम सारा के बॉयफ्रेंड जॉन को देखते हैं जो सारा को लेने यहाँ आया होता है। वहीं किलर अपने को पुलिस वाला बता के जॉन से उसका मोबाइल फ़ोन ले लेता है और बैकअप बुलाने का ढोंग करता है। वहीं अंदर मैडी को कोई खबर नहीं होती कि जॉन बाहर किलर के साथ है। जॉन विंडो में मैडी का मैसेज पढ़ता है और उसे शक होता है क्योंकि मैडी का कोई बॉयफ्रेंड होता ही नहीं है। जॉन पास में ही पड़ा एक पत्थर उठा लेता है और किलर के पास बढ़ता है। उसी समय मैडी डोर को पीट पीट कर उसे बताने की कोशिश कर ही रही होती है, ले में चक्कू मारकर उससे लड़ने लगता है जैसे जॉन गिर जाता है। किलर से लड़ने लगता है।
जॉन किलर का गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है और मैडी को भाग जाने को कहता है। मैडी पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करती है पर किलर उसके सर पर पत्थर मार के उसे मार डालता है, पर यह सिर्फ उसका विजन होता है। पैर में तिल लगने की वजह से वो जंगल में नहीं भाग सकती, वो पावर ऑन करने नहीं जा सकती। मैडी को अलग अलग विजन आते हैं कि कैसे किलर उसे मार सकता है। वो किसी का वेट भी नहीं कर सकती क्योंकि इतनी ठंड में वो ज़्यादा देर नहीं जी सकती। वहीं अगले सीन में किलर के पास मैडी की बिल्ली आ जाती है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि मैडी उस पर एरो शूट कर देती है। किलर मैडी को मारने के लिए बढ़ता है और मैडी की तीर दरवाजे पर गिर जाती है। तीर को उठाते वक्त उसका हाथ दरवाजों पर फंस जाता है। इतने में किलर पैरों से उसका हाथ तोड़ देता है। मैडी काफ़ी चिल्लाती है और दर्द के मारे उठती है। मैडी किलर को दरवाजे पर डरपोक लिखती है और उसे अंदर आने को कहती है। वहीं अगले सीन में मैडी किलर को मारने के लिए बैठी होती है। किलर पीछे से आकर उसे मारने ही वाला होता है। उसकी सांसों की हवा मैडी को फील हो जाती है और मैडी किलर को चक्कू मारकर वहां से भाग जाती है। मैडी को बेहोश देख किलर मैडी के पास उसे मारने ही वाला होता है कि वो उसकी आंखों पर मच्छर मारने वाली स्प्रे डाल देती है और अपना अलार्म ऑन कर देती है। अलार्म काफ़ी तेज होने की वजह से किलर को काफ़ी दिक्कत होती है, मगर मैडी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किलर मैडी का गला घोटकर उसे मारने ही लगता है, मगर मैडी पास ही पड़ी वाइन ओपनर से उसके गले में मार देती है। मैडी किलर की जेब में रखा सारा का फ़ोन लेती है और 911 पर कॉल कर देती है। फिर हमें सारा, जॉन और किलर को देखते हैं जो कि मरे पड़े हैं। मैडी कॉटेज के बाहर आती है और पुलिस के आने का वेट करती है। मूवी के अगले सीन में हम पुलिस को आता देखते हैं और सारा एक हल्की सी स्माइल देती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।